हरिओम, स्वागत है आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, धर्मगुरु की जो नई भर्ती इस वर्ष 2023 की है वो आ चुकी है बहुत पहले ही, लगभग हमारे मार्च फरवरी में ही आ चुकी है। तो फरवरी 15 से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, तो इसी भर्ती के विषय में हम आज इस वीडियो में जानकारी, जो भी इससे संबंधित मुख्य जानकारी वो देखने वाले हैं। इसका पेपर पैटर्न क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है इसके लिए, और किस क्रम में होने वाले, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसमें। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपके पास इससे संबंधित योग्यताएँ हैं तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर लें, क्योंकि मात्र आज से लेकर 8 दिन शेष बचे हुए हैं। और लास्ट में, जैसा कि हम किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो लास्ट लास्ट में उसकी जो साइट होती है वो भी जो नेटवर्क इशू के कारण नहीं चल पाती है। तो इसलिए जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आप फॉर्म भर दीजिए और एक बार देख लीजिए इसकी जो योग्यता, अगर आप योग्यता इसकी अगर आपके पास है तो जल्दी से आप फॉर्म भर लें, क्योंकि बहुत 8 दिन से बचे हैं, जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। इससे संबंधित हमारे चैनल पर ऐसे पहले से वीडियो अपलोडेड हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट धर्मगुरु की एक प्ले लिस्ट बनाई गई है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सभी उसमें धर्मगुरु से संबंधित वीडियोज़ हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं उनको। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे धर्मगुरु। अगर आपकी पोस्ट वहाँ पर अगर आप जॉब लग जाती है तो इस तरह आपको कार्य करना होता है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये PDF जो इसका है। अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सभी टेलीग्राम ग्रुप में सभी आपको जो भी वीडियोस बननी होती हैं सभी के PDF उपलब्ध करा दिए जाते हैं। देखिए, प्रोसेक्चर और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है एक बार देख लीजिए दोबारा, एक बार वैसे वीडियो बन चुकी है इसमें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल कॉमेंस फ्रॉम 16 फरवरी 2023 टू 15 मार्च 2023। तो इसकी स्टार्टिंग हो गई है, 16 फरवरी से ही स्टार्टिंग हो चुकी है इस फॉर्म की भरने की, और अंतिम जो डेट है वो है 15 मार्च। 15 मार्च तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, इसलिए जिसने भी नहीं भरा है जल्द से जल्द जाके भर लें। 16 फरवरी से स्टार्टिंग हो चुकी है, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरना है तो आप ये वेबसाइट आपको दी गई है, ऑल कैंडिडेट्स टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.IN। इस वेबसाइट में आप जाके अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस और वहाँ पे अपनी आपको प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद फॉर्म भरना होता है। अगर आप स्वतः नहीं भर पाते हैं तो आप साइबर कैफ़े जा सकते हैं, वहाँ पे भर सकते हैं, वहाँ आपका फॉर्म भर देंगे साइबर कैफ़े वाले। तो यह है इसकी लिंक, और वहाँ जाके अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता चेक कर सकते हैं। जो भी आपके पास मांगा जाता है वो सब उसमें आपको बता दिया जाएगा फॉर्म में जो होता है। तो और अगला है, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस इन रिस्पॉन्सेज टू दिस नोटिफिकेशन। कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेगा वो अपनी खुद का रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब वो नोटिफिकेशन में जो चीज़ दिया गया है उसके वो उसके पास होना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्स वो खुद रहेगा, ठीक है। ओनली वंस इन रिस्पॉन्सेज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्टिव ईमेल एंड मोबाइल नंबर विच विल बी यूज फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। जो भी कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी फॉर्म भरने वाले आप लोग हैं, तो आपके पास, आपको रिक्वायर्ड है कि आपके पास एक एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, मतलब आपकी एक सुचारू ईमेल होनी चाहिए और आपका एक स्वचालित मोबाइल नंबर होना चाहिए, दो के दोनों आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आगे आपको जो भी एडमिट कार्ड या भी जो भी आगे नोटिफिकेशन आएंगे उनके द्वारा आपको बताया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड ओनली रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी GIA वेबसाइट। इन केस ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ्स नॉट मैचिंग विथ फेस, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फोटोज़ जो भी आप वहाँ पर अपलोड करते हैं वो आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फेस है, अगर फेस में कुछ भी चेंजेज आता है, अगर आपकी फ़ोटो पुरानी होगी तो फेस चेंज हो ही जाता है, इसलिए फ़ोटो को आप नई से नई फ़ोटो को उसमें अपलोड करिए। अगर जो फ़ोटो है वहाँ पर अगर आपकी बहुत पुरानी आप डाल देते हैं तो जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपका फेस मैच नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक आपने नई से नई फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करनी है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एफ में है आपका, कैंडिडेट्स मस्ट इंडिकेट 5 चॉइसेस ऑफ द एग्जाम सेंटर, ऑल पॉसिबल एफर्ट वुड बी टेकन टू अलॉट एग्जाम सेंटर बेस्ड ऑन दी चॉइसेस। तो आपको 5 एग्जाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, तो 5 में से जो भी होगा, मतलब एक आपको अलॉट किया जाएगा, 5 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखिए, ये भी एक बार देख लीजिए। तो फॉर रिक्वायरिंग, ये इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है, बाकी वैसे एक इसकी वीडियो अपलोडेड पहले से ही है। बाकी जानकारी के लिए आप इसका जो PDF दिया गया है उसको, PDF को आप प्राप्त करके उसको में पढ़ सकते हैं। फॉर रिक्वायर
फॉर रिक्वायरिंग ईयर 2023-24 द रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर हम लोग को ये देखना है, विल बी कैरिड आउट इन फॉलोइंग फेजेस। तो इन चरणों से आपको गुजरना होगा। फेज फर्स्ट है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन ऑनलाइन सीई। सर्वप्रथम जो आपका होगा फर्स्ट क्रम मतलब फर्स्ट आपका जो चरण होगा उसमें आपको एक एग्ज़ाम देना होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, जो कि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होगा, एक साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा। वो उस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो रिक्वायरमेंट रैली। सेकेंड नंबर में होगा जो दूसरा चरण है रिक्वायरमेंट में रैली। तो दूसरा अगर आप एग्ज़ाम में पास होते हैं तो अब फिर आप रैली में जाएंगे। और थर्ड फेज़ है इंटरव्यू फॉर RTGSU ओनली, सिर्फ GSU वाले जो होते हैं उन्हीं का इंटरव्यू होता है, बाकी तो इसमें जो अभी और GED इत्यादि होते हैं इनमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो अगर आप पहले CE आपको क्रॉस करना होगा, उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट रैली, फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, ये तीन चरण हैं इसके क्रम से, फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपके पास किस किस चीज़ की योग्यता होनी चाहिए तो ये भी देख लीजिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट देखिए थोड़ा वो बैक हो जा रहा है, देख सकते। एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट फॉर ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अचीव्ड बाई कैंडिडेट मैट्रिक इंटरमीडिएट एक्स्ट्रा फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास सभी के सभी जो भी आपकी जो भी सर्टिफिकेट हैं वे सब आपके पास होने चाहिए, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, और भी आपने जो यहाँ से कॉलेज किया है वे सब आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी का आपके अगर बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो वहाँ से बोर्ड का है मैट्रिक का रिजल्ट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, बाकी आगे कॉलेज का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इन इंक साइन बाई द हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसर्न्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है उस वहाँ के द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए जो भी अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका है वो। और तीसरा है कैंडिडेट विद मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अंडर BEU DEU। अगर आपने ओपन स्कूल से किया है तो वहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट साइन होना चाहिए, इसलिए BEU द्वारा आपका जो होना चाहिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, रिलीजन सर्टिफिकेट आप हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो आपका रिलीजन सर्टिफिकेट, कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये है जो आपके ग्राम प्रधान बनाएगा या फिर वह वहाँ पे ग्राम प्रधान या नगर निकाय है, नगर संघ का जो नगर का वो होता है अपना क्षेत्र सदस्य वो बनाता है, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, अब RTGSU के लिए क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए। पेपर फर्स्ट इज कॉमन टू कैंडिडेट्स एंड इज अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ओनली। जो पेपर फर्स्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, पर होगा सभी के लिए। इसमें आपको मिनिमम 40% स्कोर करना आवश्यक है। 40% मार्क्स इन पेपर फर्स्ट विल ओनली बी असेस्ड इन पेपर सेकेंड, तभी आप पेपर सेकेंड दे पाएंगे। मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे पर आपको क्वालिफाई जरूर करना है, तो 40% से आपने क्वालिफाई करना है। पेपर सेकंड मार्क्स ऑब्टेंड पेपर फर्स्ट आई विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट फॉर्म अपियरिंग इन द इंटरव्यू फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें पेपर फर्स्ट के आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ पेपर सेकंड के ही मार्क्स जुड़ेंगे। पर जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी आपको पास होना है, 40% मार्क्स आपके वहाँ पर होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर रैली बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड ऑब्टेंड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल पुट ऑन RTGDTE वेबसाइट। तो जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे रैली के लिए उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सभी ये चीज़ वेबसाइट में, इस जानकारी सब इस वेबसाइट में आपको प्राप्त हो जाएगी या फिर आपके ईमेल में मैसेज आ जाएगा। और नीचे द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द रैली एंड फर्दर फॉर द इंटरव्यू विल बी पुट ऑन RTGDTE वेबसाइट। दीज कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाई बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट MEG एंड सेंट्रल बैंगलोर एंड 39 GTC वाराणसी अप्लाई केबल। तो जो इंटरव्यू होता है देखिए दो सेंटर दे रहे हैं इन्होंने यहाँ पे, एक तो है बेंगलोर में है एक वाराणसी में। तो जिनका भी जो एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए भी आपको ये वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट में आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इंटरव्यू बाई बोर्ड ऑफ ऑफिसर एट जो बोर्ड के ऑफिसर, इंटरव्यू बोर्ड के ऑफिसर उनके द्वारा MEG सेंटर बेंगलोर और 39 GTC वाराणसी एज अवेलेबल। ये तो यहाँ पर इन दोनों जगह शायद इंटरव्यू होगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और एक चीज़ और देख लेते हैं मित्रों, अगर आप
अब यहाँ पे देखिए, द नेम ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द रैली एंड फर्दर फॉर द इंटरव्यू विल बी पुट ऑन आरटीजी डेट डी टी ई वेबसाइट। दीज कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाई बोर्ड एड ऑफिसर। ये वही थर्ड वाला ही है, इंटरव्यू वाला। फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रंथी द एबिलिटी टू डिलीवर कीर्तन शुड बी अ मैंडेटरी प्री रिक्वेस्ट विज विल बी असिस्ट बाई द इंटरव्यूअर। ये ग्रंथी संबंधी जो लोग ग्रंथी के पोस्ट वाले हैं तो उनको डिलीवर कीर्तन एबिलिटी होनी चाहिए उनके पास, ये बता रहे हैं यहाँ पे। कैंडिडेट्स स्कोरिंग ए मिनिमम 15 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो जो सेकेंड पेपर होगा उसमें भी आपको देखिए मिनिमम आपके 15 आउट ऑफ 100, 100 में से 15 आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 50% मार्क्स जब होंगे आप तभी क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। देखिए दोनों में, अगर फर्स्ट पेपर तो ओनली पासिंग के लिए है, उसमें आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, और सेकेंड पेपर है इसमें मेरिट बनती है, पर इसमें भी 50% आपको लाना है अगर तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन पेपर सेकेंड एंड इंटरव्यू। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर सेकेंड और इंटरव्यू के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगी, लास्ट में फर्स्ट के मार्क्स उसमें नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों के बेस में बनेगी। नो बोनस मार्क्स इज इंटाइड टू सन ऑफ सर्विसिंग एक्स सर्विसमैन वॉर विडो एंड स्पोर्ट्समैन एनसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होल्डर्स। देखिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे दी गई है, किसी को भी कोई बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, चाहे आप एनसीसी के हुए हैं चाहे कोई भी हो, एक्स सर्विसमैन के आप लड़के बच्चे हैं तो कहीं पे भी कुछ भी हो, आप एक्स सर्विसमैन सन एनसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होल्डर्स कोई स्पोर्ट्समैन, तो आपको यहाँ पे कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, बोनस मार्क्स कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो बोनस मार्क्स, देखिए नो बोनस मार्क्स ये लिख दिया है, तो इससे एक हिसाब से तो इसमें आपको एनसीसी का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, मार्क्स कोई नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ और देख लीजिए आगे, देखिए पेपर का बताया जा रहा है। आरटीजेसीओ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंटेन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड कंप्राइज ऑफ टू पेपर्स एज फॉलोज। तो जो होंगे क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें देखिए पेपर फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 15, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, और माइनस मार्किंग भी होगी 0.-0.5। टाइम रहेगा 60 मिनट का आपके पास, 1 आवर। और पेपर सेकंड है आपका, जो सब्जेक्ट होगा उसे संबंधित रहेगा, अगर आप पंडित के लिए हैं तो संस्कृत, और मौलवी इत्यादि जो भी हैं उन सभी पोस्ट में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपके वहाँ पर वो रहेगा, तो उसमें भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से 50 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, 0.-0.5 रॉन्ग मार्किंग, ये नेगेटिव मार्किंग, और 1 आवर का समय होगा, ठीक है। ये आपका बताया गया है यहाँ पर जनरल फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में, कितने मार्क्स का होगा, कितना समय रहेगा, ये चीज़ में बताया गया है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, अगर आप पंडित के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पे आपके पास कर्मकांड का डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए, अगर कर्मकांड का डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आपका जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। देखिए इसमें शायद वीडियो में तो नहीं दिया, पीडीएफ में आप पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, नहीं तो वैसे भी वीडियोज़ बनी हुई हैं हमारे चैनल में पहले से ही, वो भी आप देख सकते हैं। शास्त्री अगर आपके पास है, शास्त्री प्लस कर्मकांड डिप्लोमा, ठीक है, शास्त्री प्लस कर्मकांड आपके पास होना चाहिए, और अगर आचार्य भी करते हैं तो आचार्य के साथ भी कर्मकांड का डिप्लोमा आवश्यक है, इसलिए कर्मकांड डिप्लोमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कर्मकांड का डिप्लोमा नहीं है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त भी करा जा सकता है आगे जाके, इसलिए कर्मकांड डिप्लोमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कर्मकांड डिप्लोमा हो तभी फॉर्म इसका आप लोग भरें, बाकी भर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा वो देख सकते हैं, पर आवश्यक है कर्मकांड डिप्लोमा, चाहे आप आचार्य कर रहे हैं चाहे आप शास्त्री कर रहे हुए, और एज आपकी 24 से ऊपर होनी चाहिए, ये आपको पहले बता दिया पहले वाली वीडियो में, नहीं तो आप नोटिफिकेशन से पीडीएफ में जाके देख सकते हैं दोबारा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे संबंधित ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन आपको दिया गया होगा उसको दबाएँ, इससे आपको जो भी इससे संबंधित नई वीडियोज़ आएंगी उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अस्तु, नमो नमः।